चित्रकूट के कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म भरने के बाद अपना लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश किया। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 12 करोड़ रुपए का हिसाब मीडिया के सामने पेश किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जब विधानसभा क्षेत्र की कमान मिली तो मेरे समस्त क्षेत्रवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की चुनौती थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा आदिवासी भाइयों का है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा था। मैंने प्रयास किया कि उनकी बुनियादी सुविधाओं को मिटाने के लिए कारगर कदम उठाऊं और मैंने वही किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम वन गमन पथ, रामा सर्किट, बीड़ी उद्योग की स्थापना, मझगुआ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जैतवार में बाईपास का निर्माण जैसे कई काम प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के कारण आगे नहीं बढ़ सके, जिसका मुझे अफसोस है। जैसा क्षेत्र के लोगों को सही लगेगा, जो चित्रकूट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हित में होगा वही बनेगा, किसी गवर्नमेंट के कहने पे, किसी नेता के कहने पे नहीं बनेगा। वहाँ पे रहने वाले लोगों के हित में जो चीज होगी वही बनेगा। सर, दरभंगा टाइगर रिजर्व बनने से जो उत्खनन हो रहा है वो अपने आप में समझ आएगा। आपका क्या कहना है? अवैध उत्खनन तब होगा जब सच्चे संकल्प के साथ कोई गवर्नमेंट सरकारें काम करेंगी। आप रुक जाइए, 3 दिसंबर तक का इंतजार करिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने दीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन बंद हो जाएगा।